हरे कृष्णा, अभी मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी प्रभु जी, अब आ रही है। यस प्रभु। हरे कृष्णा, अभी आवाज आई प्रभु। इतना देर तो ओके कुछ भी ओके। श्रीमद् हरे कृष्णा। भागवतम पंचम स्कंद हम लोग पाठ कर रहे हैं। रहुगण और जड़ भरत के बीच का संवाद, श्लोक संख्या 6 से आगे। क्वचित वितायो सरितो भीयते, परस्परम चालशते निरंधम, असाध्य दावं क्वचिदग्नि तप्तो निर्विद्यते क्वच यक्षेर हिताशु। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कभी कभी बद जीव उच्च कभी कभी बद जीव उथली नदी में कूद पड़ता है, अथवा खाद्यान्न न होने पर भी ऐसे लोगों से अन्न मांगता है जो दानी नहीं है, है ही नहीं। कभी कभी वह ग्रस्त जीवन की अग्नि में ही जलने लगता है और द्वांगनी जैसी होती है, और कभी कभी वह उस संपत्ति के लिए दुखी हो उठता है जो उसे प्राणों में भी प्रिय है, और जिसका अपहरण राजा लोग बद्दी आयकार के नाम पर करते हैं, भारी आयकार के नाम पर करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। भौतिक संसार को एक जंगल के समान तुलना की गई है, और इस भौतिक संसार में किस प्रकार जीवात्मा कष्ट भोगता है उसके कुछ उदाहरण बताए हैं। कैसे अथक प्रयास करने के बाद भी जीवात्मा भौतिक संसार में प्रसन्न नहीं होता और कई प्रकार के दुख उठाता है यहाँ पर, और किस प्रकार अलग-अलग लोग उसकी गाड़ी कमाई को चुरा लेते हैं। राजा या सरकार आयकर, अलग अलग कर के माध्यम से उसकी गाड़ी कमाई को चुराते हैं। ये सब उदाहरणों से आज से कितने हजारों हजारों वर्ष पहले महाराज रघुगण को जड़ भरत संकेत कर रहे हैं। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, सूर्य के झुलसती धूप में रहने से गर्मी अनुभव करने के कारण मनुष्य कभी कभी नदी में कूद कर विश्रांति प्राप्त करना चाहता है, किंतु यदि नदी शुष्क प्राय हो और पानी उथला हो तो कूदने वाला अपनी हड्डियां ही तोड़वाता है। इसी प्रकार से बद्ध जीव निरंतर कष्टों का अनुभव करता रहता है। कभी अपने मित्रों से सहायता प्राप्त करने से उसके प्रयास सूखी नदी में कूदने के समान ही सामने आते हैं। ऐसे प्रयासों से उसे कोई लाभ नहीं होता, केवल उसकी हड्डियां ही टूटती हैं। कभी कभी अन्न के अभाव के कारण मनुष्य को ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ जाता है जो दान में असमर्थ है या फिर जानबूझकर देना नहीं चाहता। कभी कभी मनुष्य गृहस्थ जीवन में ही बना रहता है, जिसकी उपमा दावाग्नि से दी गई है। संसार दावानल लीड लोग, जब सरकार किसी पर भारी कर लगा देती है तो मनुष्य दुखी हो जाता है। भारी कर के कारण उसे अपनी आय छुपानी पड़ती है, किंतु सारे यत्न के बावजूद भी कभी कभी सरकारी एजेंट इतने सतर्क रहते हैं कि और इतने बलशाली होते हैं कि वे सारा धन छीन लेते हैं, जिससे बद्ध जीव अत्यधिक व्यतीत हो जाता है। इस प्रकार भौतिक संसार में रहकर लोग सुखी रहने का प्रयास करते हैं, किंतु उनका यह प्रयास दावाग्नि से पीड़ित जंगल में सुखी रहने के प्रयास से तुल्य है। जंगल में जाकर कोई आग लगाता नहीं, वह स्वतः ही लग जाती है। इसी प्रकार गृहस्थ जीवन या सांसारिक जीवन में कोई दुखी नहीं रहना चाहता, किंतु प्रकृति के नियम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पर सुख दुख बरबत लादे जाते हैं। अपने भरण पोषण के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होना कितना लज्जास्पद होता है, इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं पर निर्भर रहना चाहिए। केवल शूद्र ही स्वतंत्र रूप से रहने में असमर्थ होते हैं, उन्हें अपने भरण के लिए किसी न किसी की सेवा करनी होती है। शास्त्रों में कहा गया है, कलो शूद्र संभवा,
इसी कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अपने देह भरण के लिए अन्य की कृपा पर आश्रित रहता है, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को शूद्र कहा गया है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में कहा गया है कि कलयुग में सरकार कर तो लेगी किंतु उसके बदले में जनता का कल्याण नहीं दिखेगी। अनावृष्टा विनक्षन्ति दुर्भिक्षः कर पीड़ितः। इस युग में वर्षा की न्यूनता भी होगी जिससे अन्न का अभाव होगा और सरकार द्वारा लगाए गए करों में जनता अत्यधिक पीड़ित होगी। इस प्रकार जनता शांतिपूर्ण जीवन बिताने के प्रयत्न का त्याग कर देगी और अपना घर बार छोड़कर निराशावश जंगलों में चली जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक और उदाहरण दे रहे हैं, जिस तरह जंगल में कोई आग लगाता नहीं है वरन अपने आप लगती है, उसी प्रकार भौतिक संसार में कष्ट जीवात्मा को अपने आप आते हैं। और ऐसे भौतिक संसार में रहने के लिए वर्णाश्रम में एक पद्धति दी गई थी कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, जिससे दूसरे के ऊपर निर्भरता से दुख आए उस स्थिति से वो बच सकता है। लेकिन आजकल सामान्यतः हर व्यक्ति शूद्र प्रवृत्ति के हो गए हैं। शूद्र मतलब जो दूसरों के ऊपर अपनी जीविका के लिए निर्भर हो, चाहे वो किसी क्या काम करे या किसी भी प्रकार से दूसरों के ऊपर निर्भर हो, आत्मनिर्भर ना हो, वो शूद्र प्रवृत्ति का एक लक्षण है। तो इस प्रकार भौतिक संसार में व्यक्ति प्रयास करता है सुखी होने का, लेकिन और दुखी होता चला जाता है। सूर्यता स्वा क्वचन निर्विन्न चेतः, सोचन विमुञ्जन उपयाति कश्मलम्, क्वचिच्च गंधर्व पुरम प्रविष्टः, प्रमोदते निर्वृतवन मुहूर्तम्। कमल सिंह प्रभु, अरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार, प्रणाम प्रभु जी। कभी कभी अपने से बड़े तथा बलवान व्यक्ति द्वारा पराजित होने अथवा लूट जाने पर जीवात्मा की सारी संपत्ति चली जाती है। इससे वह अत्यंत दुखी हो जाता है और क्षति पर पश्चाताप करता है। यहाँ तक कभी कभी वह अचेत भी हो जाता है। कभी कभी वह ऐसे कृष्ण विषम प्रभु को आवाज नहीं आ रही, आ रही है प्रभु, आ रही है। हाँ नहीं आ रही मत। आवाज आ रही है, हरे पड़ी कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है, आवाज पड़ी। कभी हाँ कभी वो अचेत कभी कभी वो अचेत भी हो जाता है। कभी कभी वो ऐसे विशाल प्रसाद की कल्पना करने लगता है जिससे वह अपने परिवार तथा अपने धन सहित सुखपूर्वक रह सके। यदि ऐसा हो सके तो वह अपने आप को अत्यंत संतुष्ट समझता है, किंतु ऐसा तथा कथित सुख क्षणिक होता है। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार जैसे एक छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, उसी प्रकार ज्यादा बलवान व्यक्ति होता है छोटे व्यक्ति को दबा देता है, उसकी बनाई हुई संपत्ति, उसकी बनाए हुए ऐश्वर्यों को वो भोगने लगता है। और इसी प्रकार व्यक्ति अथक प्रयासों से दुखी हो जाता है और अपने ही कल्पना से भौतिक संसार में हवाई किले बनाने लगता है। हवाई किले अर्थात अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो अपने आप को ही मनाता है, कह रहे देखो देखो इतना बुरा भी नहीं है, भौतिक संसार अच्छा ही तो है, मैं प्रसन्न हूँ। और आजकल तो इस तरह थेरेपी भी होती है, लोग को एकांत में बैठाते हैं और बोलते हैं अपने आप से दोहराओ कि मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। तो इस तरह से हवाई किले बना बना करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जय माता जी। तात्पर्य, इस श्लोक में गंधर्व पुरम अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। कभी कभी जंगल के बीच बहुत एक बड़ा किला दृष्टिगोचर होने लगता है, इसे ही हवाई किला कहा जाता है। वास्तव में इस किले का अस्तित्व मस्तिष्क के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं होता, इसे गंधर्व पुरम कहा जाता है। इस भौतिक संसार रूपी जंगल में बद्ध जीव कभी कभी बड़े बड़े किले तथा गगनचुम्बी प्रसादों की कल्पना करता है और इन चीजों को पीछे अपनी शक्ति नष्ट करता है और इनमें अपने परिवार सहित सदा के लिए सुखपूर्वक रहने की आशा बांधता है। किंतु प्रकृति के नियम ऐसा होने नहीं देते। जब वह ऐसे किलों में प्रवेश करता है तो क्षण भर के लिए वह अपने आप को सुखी समझता है, किंतु उसका यह सुख स्थायी नहीं होता। उसका यह सुख कुछ ही वर्ष चल पाता है क्योंकि मृत्यु के समय उसे यह किला छोड़ना पड़ता है और सब कुछ विनष्ट हो जाता है। सांसारिक विनिमय का यही विधान है। विद्यापति ने ऐसे सुख को उस सुख के समान बताया है जो मरुस्थल में पानी की एक बूंद देखकर उत्पन्न होता है। मरुस्थल सूर्य के प्रखर ताप से गर्म हो जाता है, अतः यदि हम मरुस्थल के ताप को घटाना चाहें तो करोड़ों गैलन पानी की आवश्यकता पड़ेगी। भला ऐसे में पानी की एक बूंद का क्या प्रभाव हो सकता है? पानी का महत्व तो निश्चय ही है,
किंतु एक बूंद जल से मरुस्थल की तपन कम नहीं हो सकती। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, किंतु तपन अत्यंत झुलसाने वाली है। ऐसे में काल्पनिक हवाई किले से क्या काम चलेगा? इसीलिए श्री विद्यापति ने गाया है, ताटल सेकत सेकते वारी बिंदु सम सुत मीत रमणी समाजे। गृहस्थ जीवन, मित्रों तथा समाज के सुख की तुलना जलते हुए रेगिस्तान में पानी की एक बूंद से की गई है। यह समूचा भौतिक संसार सुख प्राप्त करने के प्रयास में लगा है, क्योंकि सुख जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है। दुर्भाग्यवश इस भौतिक संसार के संपर्क में आकर जीवात्मा अपने अस्तित्व के लिए केवल संघर्ष करता है। यदि कुछ काल के लिए वह सुखी हो भी जाता है, तो भी उसका कोई प्रबल शत्रु उसका सर्वस्व लूट लेता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें बड़े बड़े व्यापारी एकाएक धन चुकाने में असमर्थ दिवालिये बन जाते हैं, तो भी इस भौतिक अस्तित्व की प्रकृति ही ऐसी है कि मूढ़ व्यक्ति इसके प्रति आकृष्ट होते हैं और होकर आत्म साक्षात्कार के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। गुरु महाराज इस भजन को गाया करते थे, तातल सही कत बारी बिंदु समय सुत मित रमणी समाज। जैसे तपती हुई रेत पर कोई एक बूंद पानी डाले, वो रेत के स्पर्श से पहले ही वो बूंद भाप बन करके उड़ जाएगी। वो रेत में, तपती हुई रेत में एक बूंद पानी कोई प्रकार से मदद नहीं कर पाएगी। उसी तरह ये भौतिक संसार में कष्ट हैं जलती हुई रेत के समान, और उसमें तथाकथित हवाई किले जो हम बनाते हैं मनोकल्पना से, वो है एक बूंद पानी के समान। वो कैसे जीवात्मा को संतुष्ट कर पाएगी? उसके लिए तो एक समुद्र चाहिए जो उस पूरे रेगिस्तान को डुबा सके, वो है कृष्ण भक्ति। तो इस प्रकार यदि वास्तव में व्यक्ति खुश होना चाहता है, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। चलन क्वचित कंटक सर करांग्री नगारुरुक्षुर विमना इवासते, पदे थोड़ा पदेभ्यंतर वहि ननार्दिता कौटुंबिका क्रुध्यति वै जनाया। वेदांत प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कभी कभी जंगल का व्यापारी पर्वतों तथा पहाड़ियों के ऊपर चढ़ना चाहता है, किंतु अपर्याप्त पादरक्षण के कारण उसके पैरों में कंकड़ तथा कांटे गड़ जाते हैं, जिससे वह अत्यंत उदास हो जाता है। कोई व्यक्ति जो अपने परिवार के प्रति आसक्त होता है, वह कभी कभी जब अत्यधिक भूख के मारे सस्त्र हो जाता है, तो यह वह अपनी दयनीय स्थिति के कारण अपने कुटुंबियों पर विफल हो जाता है। अभी इस उपमा में आगे उदाहरण देते हुए बता रहे हैं, जैसे जंगल में कई बार पर्वत पड़ते हैं, पहाड़ियां पड़ती हैं, और पहले जमाने में जब व्यापारी जंगलों से होकर के जाते थे, उनको ये पर्वत पहाड़ियों को पार करना पड़ता है। अब पर्वतों को पार करने में श्रम तो ज्यादा है ही, लेकिन साथ में कंकड़ कांटे इत्यादि बहुत सारी चीजें। उसी प्रकार भौतिक संसार में जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, बड़े बड़े उद्देश्य रखते हैं, वो अथक प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी ये भौतिक संसार की समस्याएं वो कांटों के समान हैं जो उसको सदैव परेशान करती रहती है। अर्चना माता जी, तात्पर्य, महत्वाकांक्षी बद्ध जीव अपने परिवार सहित इस भौतिक संसार में सुखी रहना चाहता है। उसकी तुलना जंगल के उस यात्री से की गई है जो कांटों तथा कंकड़ों से भरी पहाड़ी पर चढ़ना चाहता है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा है, समाज मैत्री तथा प्रेम से प्राप्त सुख मरुस्थल की झुलसती गर्मी में जल की बूंद के समान है। मनुष्य अपने समाज में महान तथा शक्तिशाली बनने की सोच सकता है, किंतु यह कांटों से भरी हुई पहाड़ी पर चढ़ने के समान है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने परिवार की तुलना ऊंचे पर्वतों से की है। कुटुंबियों के साथ सुख की कामना मानो भूखे पेट कांटों से भरे पर्वत पर चढ़ने का प्रयास हो। कुटुंबियों को संतुष्ट रखने के लिए प्रयत्न करने के बावजूद लगभग 99.9% जनसंख्या का पारिवारिक जीवन दुखी है। पाश्चात्य देशों में तो पारिवारिक सदस्यों के असंतोष के कारण पारिवारिक जीवन ही रहा नहीं, विवाह विच्छेद की अनेक घटनाएं होती रहती हैं और बच्चे असंतोष के कारण माता पिता का संरक्षण छोड़ देते हैं। विशेष रूप से इस कली काल में पारिवारिक जीवन सिमटता जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति आत्म केंद्रित होता जा रहा है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। यदि किसी के पास परिवार चलाने के लिए पर्याप्त धन रहता भी है, तो भी परिवार में उससे कोई प्रसन्न नहीं रहता।
फलस्वरूप वर्णाश्रम धर्म के अनुसार मनुष्य को पारिवारिक जीवन बीच में ही त्यागना होता है। पंचाशोर्ध्वम वनम व्रजेत, मनुष्य को चाहिए 50 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर वृंदावन या जंगल में चला जाए। यह श्रील प्रहलाद महाराज के द्वारा किया गया विधान है। श्रीमद् भागवतम। तत्साधु मन्ये असुर पर्य देहि नाम सदा समुक्ति धिया महसग्रहात हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम वनम गतो यदरिमाश्रयेत। जंगल जंगल घूमने में कोई हित नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाकर गोविंद की शरण ले, इससे वह सुखी बनेगा। अतः अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ एक कृष्ण बलराम का मंदिर बनवा रहा है, जिसमें अपने सदस्यों तथा बाहरी लोगों को बुलाकर आध्यात्मिक वातावरण में शांति पूर्वक रहकर जीवन बिताने के लिए व्यवस्था होगी। इससे दिव्य लोक तक उठने और श्री भगवान के धाम को वापस जाने में सहायता मिलेगी। इस श्लोक में एक अन्य वाक्य भी महत्वपूर्ण है, कौटुम्बिकः प्रुध्यति वै जनाय। जब मनुष्य का मन अनेक प्रकार से विचलित रहता है तो वह अपनी बेचारी पत्नी तथा बच्चों पर क्रोध जताकर अपने आप को तुष्ट करता है। पत्नी तथा बच्चे स्वभावतः पिता पर आश्रित रहते हैं, किंतु पिता परिवार का ठीक से पालन न कर सकने के कारण मानसिक रूप से दुखी रहता है। अतः वह वृथा ही स्वजनों को डांटता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, आक्षिन्न दार द्रविणा यास्यन्ति गिरिकार्णनम्। पारिवारिक जीवन से त्रस्त होकर मनुष्य विवाह विच्छेद द्वारा या अन्य साधनों से परिवार से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। यदि विच्छेद करना है तो हंसी खुशी से क्यों नहीं करते। नियम पूर्वक विच्छेद बलात् विच्छेद से अच्छा होता है। बलात् विच्छेद से कोई सुखी नहीं रह सकता, किंतु पारस्परिक विचार विमर्श या वैदिक व्यवस्था के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि एक निश्चित आयु में वह पारिवारिक प्रपंचों से विलग हो ले और भगवान श्री कृष्ण पर पूर्णतः आश्रित हो ले। इससे जीवन सार्थक बनता है। जब हम छोटे थे तो एक टीवी सीरियल आता था, कहानी घर घर की। ये वास्तविक कहानी घर घर की है, जहां पर व्यक्ति अपने परिवार को खुश करने के लिए अथक प्रयास करता है, लेकिन स्वयं असंतुष्ट, परिवार असंतुष्ट, संबंधों में खिंचाव, ये सब हर घर की परिस्थिति है। और ऐसे समस्याओं में व्यक्ति और ज्यादा परिवारजनों पर गुस्सा होना, आपस में लड़ाई करना, आपस में कटु वचन बोलना, और इस तरह व्यक्ति बड़े दुखी रहते हैं। इसमें एकमात्र भगवान के धाम का, भगवान के भक्तों का आश्रय, हरिमाश्रय था प्रहलाद महाराज जो हिरण्यकश्यप को बोले, वो एकमात्र उपाय है। चलो, प्रभुपाद बोल रहे हैं, एक दूसरे से लड़ लड़कर अलग होने की बजाय पहले ही भगवान के ऊपर इतनी आसक्ति रखिए कि बाकी कोई आसक्ति आपको प्रभावित ना करे। इसलिए भगवान की भक्ति सर्वोपरि हमारे जीवन में प्राथमिकता होनी चाहिए। क्वचिन निगिर्णो जगराहि ना जनो ना वैति किंचिद विपिने पवित्तः दष्टास्मसेते क्वचदंध सूपै अंधो अंधा कोपे पतितस्तमश्रे। अनिता साहू माता जी, कभी कभी इस भौतिक जंगल में बद्ध जीव को अजगर निगल लेते हैं या मरोड़ डालते हैं। ऐसी अवस्था में वह चेतना तथा ज्ञान शून्य होकर मृत व्यक्ति तुल्य जंगल में पड़ा रहता है। कभी कभी अन्य विषैले सर्प भी आकर काट लेते हैं। अचेतन होने के कारण वह नारकी जीवन के अंधे कूप में गिर जाता है, जहाँ से बचकर निकल पाने की कोई आशा नहीं रहती। और ऐसे भयंकर जंगल में जहां वो इतना त्रस्त हो रहा है, कभी जंगल की आग लग रही है, कभी कांटे चुभ रहे हैं, पहाड़ों पे चढ़ना पड़ रहा है, भूख प्यास से ग्रसित है, जंगली जानवर उसको शोषण करने के लिए तैयार हैं, हर तरह से जब त्रस्त जीवात्मा जंगल में है, अगर बड़ा सा कोई अजगर उसे चपेट में ले ले तो उसकी क्या गति होगी। इसी प्रकार मायाग्रस्त जीव की भौतिक संसार में स्थिति होती है। ये उदाहरणों से हमें एक कल्पना करने में महसूस करा रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप अपने भौतिक संसार को ठीक ठीक प्रकार से नहीं जान पाएंगे, कम से कम ये उदाहरण के ऊपर कल्पना करके समझिए कि आप कैसी भयावह स्थिति में फंसे हैं। मणि माता जी, अरे
कभी कभी इस भौतिक जंगल में बद्ध जीव को अजगर निगल लेते हैं या मरो तात्पर्य तात्पर्य जब कोई व्यक्ति सांप के काटे जाने पर बेहोश हो जाता है तो उसे यह पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है। यह बेहोशी की अवस्था गाढ़ निद्रा की अवस्था है। इसी प्रकार बद्ध जीव वस्तुतः माया की गोद में सो जा रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर की का गीत कत निद्रा आओ पाओ पिशाचीर खोले, हे जीवात्मा तुम इस तरह माया की गोद में कब तक सोते रहोगे। मनुष्य को पता नहीं चल पाता कि वे संसार में वास्तव में सो रहे हैं और उन्हें आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान नहीं रहता। अतः चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अनैच्छी औषधि माया नासी नासी बार लागी, हरि नाम महामंत्र ताओ तुमी आगे मागी। हे मैं प्रत्येक जीव को चिर निद्रा से जगाने की औषधि लाया हूँ, आप ईश्वर का पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र को अंगीकार करें और जगें। कठोपनिषद में का भी कथन है कि उत्तिष्ठ जाग्रत प्राय करानी बोधक, हे जीवात्मा तुम इस संसार में सो रहे हो, उठो और मनुष्य जीवन का लाभ उठाओ। सुप्त दशा का अर्थ है ज्ञान की हानि। भगवत गीता 2.69 में भी कहा गया है कि यह निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृतिं संयमी, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह संयमी पुरुष के जागने का समय है। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक में भी प्रत्येक प्राणी माया के वश में है। कोई भी जीवन के वास्तविक मूल्यों में रुचि नहीं रखता। सुप्त अवस्था में जिसे काल सर्प कहा गया है, बद्ध जीव को अविद्या में रखती है, जिसे शुद्ध चेतना जाती रहती है। जंगल में अनेक अंधे भुपट्टू कुएं होते हैं और यदि कोई भी इनमें से किसी एक में गिर जाए तो फिर उससे उभरने की कोई आशा नहीं रहती। सुप्तावस्था में कुछ पशु विशेष रूप से सर्प मनुष्य को निरंतर काटते रहते हैं। हरे कृष्ण। इसका अभ्यास तो सभी को है, इसका अनुभव सभी को है लगभग। जब हम लोग सोते हैं, प्राय कभी कभी दिन में खाने के बाद कोई लेट जाता है, या रात में भी कभी सोते हैं, सुबह उठने के समय ऐसा लगता है किसी ने जकड़ के रखा है, उठते नहीं बनती। वो क्या है, ये निद्रा रूपी सर्प ने जकड़ रखा है जीवात्मा को। तो ये अविद्या वास्तव में दो प्रकार से कार्य करती है। बाह्य रूप से निद्रा के रूप में हम ग्रसित रहते हैं, हम उस दिन भी चर्चा कर रहे थे, आहार निद्रा भय मैथुन में से निद्रा सबसे खतरनाक है, क्योंकि अत्यधिक निद्रा से इंद्रियां और ज्यादा विषयों की तरफ भागती हैं। और आंतरिक रूप से ये अविद्या हमारे स्वभाव को ही सुला देती है। जो भगवत सेवा का स्वभाव होना चाहिए, कृष्ण प्रेम का स्वभाव होना चाहिए, वैष्णव सेवा का स्वभाव होना चाहिए, उसको भी सुला देती है। जैसे पथिक को कोई बड़ा सांप चपेट में डाल ले, उसी तरह ये अविद्या, ये नींद, ये आलस हमें आध्यात्मिक मार्ग में स्थगित कर देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। कर ही स्वचित क्षुद्र रसान विचिन्वम् तन्मक्षिकाविर्व्यथितो विमानः तत्रातिकर्तृच्छ्रात् प्रतिलब्धमानो बलाद् विलुप्पन्ति अथ तं ततोऽन्ये। कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। कभी कभी थोड़ी सी रति सुख के लिए मनुष्य चरित्रहीन स्त्री की खोज करता रहता है। इस प्रयास में उस स्त्री के संबंधियों द्वारा उसका अपमान एवं प्रताड़ना होता है। यह वैसा ही है जैसा कि मधुमक्खी के छत्ते से शहद मधु निकालते समय मक्खियां आक्रमण कर दें। कभी कभी प्रचुर धन व्यय करने पर उसे कुछ अतिरिक्त इंद्रिय भोग के लिए दूसरी स्त्री प्राप्त हो सकती है, किंतु दुर्भाग्यवश इंद्रिय सुख की सामग्री रूपी वह स्त्री चली जाती है अथवा किसी अन्य कामी द्वारा अपहरण कर ली जाती है। हरे कृष्ण। तो कल भी हम ये चर्चा कर रहे थे कि अधिकांश जो आजकल कानून के विपरीत जितने क्राइम हो रहे हैं, जितने बड़े बड़े कोर्ट केसेस चल रहे हैं, वो इसी तरह अवैध संबंधों के कारण चल रहे हैं। व्यक्ति को लगता है कि अच्छा, मैं इस परिवार से सुखी नहीं हूं, तो मैं अपने परिवार को छोड़ करके दूसरी स्त्री के पास जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा। वास्तव समस्या परिवार में नहीं है, वास्तव समस्या संबंधों में नहीं है, समस्या भौतिक संसार में ही है। तो अगर वो दूसरी स्त्री के पास जाएगा तो भी वो दुखी ही होने वाला है। परिवार के साथ तो फिर भी धर्म के आचरण के साथ रह रहा था, तो कुछ कुछ हद तक
उसके कष्ट कम थे, लेकिन यहाँ जब अवैध संबंध बनाएगा तो और धर्म विरुद्ध कार्य करेगा और ज्यादा दुखी हो जाएगा। उदाहरण दे रखा है, मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डालेंगे मधुमक्खियां आक्रमण करेंगी, उसी तरह पर स्त्री के साथ जाएंगे तो उससे आसक्त जितने लोग हैं या उससे आसक्त जितने कामुक व्यक्ति हैं वो भी आक्रमण करेंगे, तो और अपने आप को दयनीय और अपने आप को बुरी स्थिति में डाल देता है। आशा माता जी तात्पर्य, बड़े बड़े जंगलों में मधुमक्खी के छत्ते बड़े महत्व के होते हैं, प्राय लोग वहां जाकर छत्तों से मधु एकत्र करते हैं और कभी कभी मक्खियां आक्रमण करके उन्हें दंडित भी करती है। मानव समाज में जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे भौतिक जीवन के जंगल में विषयी जीवन के मधु के लोभ के कारण रहते हैं। ऐसे कामी पुरुष कभी भी एक पत्नी से संतुष्ट नहीं होते, उन्हें अनेक स्त्रियां चाहिए। प्रतिदिन वे अत्यंत कठिनाई से ऐसी स्त्रियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार का मधु चखने के प्रयास में उन पर कभी कभी उस स्त्री के परिजनों का प्रहार भी हो जाता है और बड़ी ताड़ना पड़ती है। भले ही घूस देकर संभोग के लिए कोई अन्य स्त्री पा ले, किंतु दूसरा कामी उसका अपहरण कर सकता है अथवा कुछ अधिक मूल्यवान और अच्छी वस्तु का प्रलोभन दे सकता है। भौतिक संसार रूपी जंगल में इस प्रकार का स्त्रीय मृगया चलता रहता है, जो कभी वैध होता है और कभी अवैध। पलता है इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्तों के लिए अवैध स्त्री पुरुष संघ वर्जित है, इससे वे अनेक विपत्तियों से बचे रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी पत्नी विवाहिता पत्नी से ही तुष्ट रहे, वह अपने विषयों की तृप्ति अपनी पत्नी से कर सकता है, इससे समाज में कुव्यवस्था भी नहीं उत्पन्न होगी और ऐसा करने के कारण उसे दंडित भी नहीं होना पड़ेगा। अभी हम अमेठी में 2 दिन पहले भागवत महात्मा के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उसमें ये आत्मदेव ब्राह्मण की कथा आती है, धुंधकारी की कथा आती है। जो धुंधकारी पापाचरण करता था, 5 वेश्याओं को घर में लेकर के आया था, और ये 5ों वेश्याओं को पालन करने के लिए ये धुंधकारी अनेक अनेक पाप करता था। एक दिन ये वेश्याओं ने ही सोचा कि अरे ये धुंधकारी तो बड़ा धन रख के जाता है, लेकिन ये कितने दिन तक इस तरह चोरी डकैती करेगा, कभी इसको पकड़ लिया जाएगा, इससे अच्छा हम इसका धन लेकर के पहले ही भाग जाते हैं। वो 5ों वेश्याओं ने धुंधकारी का वध कर दिया, उसकी मृत्यु कर दी और वहां से भाग गए। कहने का अभिप्राय, जिन वेश्याओं के लिए धुंधकारी ने अपने पिता को त्याग किया, माता ने आत्महत्या कर ली, और उस धुंधकारी ने इन वेश्याओं के लिए इतने पाप कृत्य करे, उन्हीं वेश्याओं ने उसका वध कर दिया। इसलिए अवैध संबंधों से बचने के लिए भागवत हमको बहुत स्पष्ट निर्देश देती है। श्रील प्रभुपाद ने ये नियम बनाया है, और श्रील प्रभुपाद इस पे भी बल देते थे कि वास्तव में अगर धर्म परायण पत्नी हो तो वो पति के लिए सुरक्षा है। एक बार श्रील प्रभुपाद सभी टेंपल प्रेसिडेंट्स की मीटिंग कर रहे थे, तो अलग अलग मंदिरों से सब टेंपल प्रेसिडेंट्स ट्रेवल करके प्रभुपाद से मिलने के लिए गए। तो प्रभुपाद उस समय पर टेंपल प्रेसिडेंट सब गृहस्थ होते थे, ब्रह्मचारी और सन्यासी प्रचार करते थे, टेंपल प्रेसिडेंट सब गृहस्थ लोग मंदिर संभालते थे। तो सारे टेंपल प्रेसिडेंट्स प्रभुपाद को मिलने के लिए जब गए, प्रभुपाद पहला प्रश्न उनको पूछते हैं, तुम्हारी पत्नियां कहाँ हैं? तो बोलते हैं ना प्रभुपाद, उनको तो हम मंदिर में छोड़ के आए हैं, हम तो अकेले यहाँ पर आए हैं। तो प्रभुपाद बड़े नाराज हो गए। प्रभुपाद बोले, कभी भी आप लोग यात्रा अकेले नहीं करना, आपकी पत्नियों को आप साथ में रखना, क्योंकि आपके लिए आपकी पत्नियां सुरक्षा हैं, योर वाइफ इज योर प्रोटेक्शन। अगर धर्मपरायण पत्नी साथ में है तो आप कहीं भी अलग अलग स्त्रियों की तरफ नहीं देखोगे, आप कहीं भी अपने धर्म से च्युत नहीं होगे, इसलिए हमेशा अपनी पत्नियों के साथ ही रहना, वो आपको धर्म में स्थित रखेंगी और कृष्ण भक्ति में भी मदद करेगी। इस तरह धर्मपरायण पारिवारिक जीवन की आवश्यकता है, ना कि अवैध संबंधों। क्वचिच्च शीतावातवर्षः प्रतिक्रियां कर्तुमनीश आस्ते, क्वचिन्मिथो विपन्न यच्च किञ्चित् विद्वेष मृच्छति उत वित् साठ्ययात्। मीनू माता जी, कभी कभी जीवात्मा बर्फीली ठंड, कड़ी गर्मी, तेज हवा, अतिवृष्ट इत्यादि प्राकृतिक उत्पातों का सामना करने में लगा रहता है, किंतु जब वह ऐसा नहीं कर पाता तो अत्यंत दुखी हो जाता है। कभी कभी वह एक के बाद एक व्यावसायिक लेन देन में ठगा जाता है। इस प्रकार ठगे जाने पर जीवात्मा एक दूसरे से शत्रुता ठान लेती हैं। और शत्रुता क्या है? अपनी इच्छाएं अगर पूरी ना हो
किसी व्यक्ति से हमारी इंद्र तृप्ति ना निकले तो बस वो हमारा शत्रु है। जब तक कोई व्यक्ति हमारी इंद्र तृप्ति में सहायक रहेगा तब तक वो हमारा मित्र है, और जैसे ही कोई हमारी इंद्र तृप्ति में बाधा बना वैसे वो हमारा शत्रु बन जाता है। इस प्रकार जीवन संघर्ष जीवात्मा भौतिक संसार में करता रहता है। मुख्य गोपी माता जी, ब्रजेश प्रभु, बड़े बड़े जंगलों में मधुमक्खी के छत्ते बड़े होते हैं, प्राय लोग। हरे हाँ कृष्णा, पढ़िए माता। बड़े बड़े जंगलों में मधुमक्खी के छत्ते बड़े महत्व के होते हैं, प्राय लोग अब वहां कहाँ, जाकर छत्तों से कौन मधु सा पढ़ एकत्र रहे हैं आप, करते हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं आप? नहीं, ये है 11 का तात्पर्य। यह जीव संघर्ष का उदाहरण है जिसमें भौतिक प्रकृति के घातों का सामना किया जाता है। इससे समाज में शत्रुता उत्पन्न होती है, फलस्वरूप समाज ईर्ष्यालु मनुष्य से भर जाता है। एक व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता है, यही संसार की रीति है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ईर्ष्या रहित वातावरण उत्पन्न करता है, करना चाहता है। निसंदेह यह सबके लिए संभव नहीं है कि कृष्ण भावना भावित हो सके, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे आदर्श समाज की सृष्टि कर लोग कई बार इस तरह बोलते हैं, अरे सब भक्त तो होंगे, ऐसा संभव है क्या? प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, हाँ ठीक है सब भक्त तो नहीं हो पाएंगे, आपको ऐसा लगता है, तो भी कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन एक ऐसा समाज दुनिया को दिखाना चाहता है जहां पर वास्तविक संबंध संभव है, जहां पर भक्तों के बीच के संबंध, परिवार के बीच के संबंध इतने मधुर हो जिससे पूरा संसार प्रेरणा ले। इस्कॉन के भक्तों के ऊपर ये जिम्मेदारी है प्रभुपाद की अपेक्षा को पूरा करने की। हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हम इस्कॉन में आने के बाद भी एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे से शत्रुता कर रहे हैं, एक दूसरे की इंद्र तृप्ति में सहायता या बाधा डाल रहे हैं, कि हम एक दूसरे की कृष्ण भक्ति में मदद कर रहे हैं? जो उद्देश्य से श्रील प्रभुपाद ने इस संस्था का गठन किया है वह उद्देश्य को प्रभुपाद के तात्पर्य से हमको सीखना चाहिए, और ये पूरी दुनिया को एक आदर्श दिखाने के लिए प्रभुपाद ने इस संस्था को शुरू किया है। तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पवित्र हैं उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की इस संघ को भी हमें पवित्र रखना चाहिए। पवित्र संबंध, पवित्र शिष्टाचार, पवित्र साधना, ये सब का पालन करके हमें प्रभुपाद की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। अगर कहीं नहीं हो रहा है उसको सुधारने की जिम्मेदारी हम लोगों की, हर इस्कॉन के भक्त को इस तरह जिम्मेदारी लेना चाहिए। ये भौतिक संसार रूपी जंगल में ये प्रभुपाद का संघ, ये प्रभुपाद की संस्था, इस्कॉन वास्तव में जीवात्माओं के लिए आश्रय बनेगा, इस तरह प्रभुपाद की अपेक्षा है। तो बड़े सुंदर उपदेश हम यहाँ पढ़ रहे हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। बस किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बसंत प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न कल की क्लास से है। कल वो सार और वो तुलना कर रहे थे पत्नी बच्चे का, तो मैं ये सोच रहा था कि इसका मीनिंग ये है ना कि अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं है और ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो फिर ये पत्नी बच्चे ये सब हमारे लिए समस्या है। मैं सही समझ रहा हाँ हूँ प्रभु थोड़ा? सही हरे है। कृष्ण। जब तक आप ये सोचेंगे कि ये परिवार कृष्ण का परिवार है और मैं केवल कृष्णदास रूप से इनकी सेवा कर रहा हूँ, तब तक बंधन का कारण नहीं। जो आप सोचेंगे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा संसार, तब फिर वही सिद्धांत हमारे ऊपर लागू होगा जो हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं। ठीक थैंक है, यू सो मच। गौरी शंकर प्रभु। वो याद जो आया था क्लास में कि अंधे भूपट्टू कुएं किसे कहेंगे प्रभु जी? हाँ, अंधे भूपट्टू कुएं अभी जो आए थे अंधा कुआ उसका। अर्थात देखिए दो दो प्रकार के इसके मतलब है। एक तो बहुत गहरे कुएं को अंधा कुआ बोलते हैं, और दूसरा है कई बार कुएं जो सूख जाते हैं उसको वन में जंगली पशुओं को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या करते हैं, ऊपर कुछ डंडियां और पत्तियों से उसको कृत्रिम रूप से ढक देते हैं। पशु, जंगली पशु
दौड़ते हैं, जंगल में चलते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता ये कृत्रिम रूप से ढका हुआ है, उसके ऊपर जैसे ही जाते हैं वो कुएं में गिर जाते हैं। बाद में शिकारी या सर्कस वाले आकर के उन जंगली पशुओं को पकड़ लेते हैं, तो उसको उस तरह का कुआं बोला है। तो भौतिक संसार का इस तरह स्थिति है, प्रलोभन इतने आकर्षक दिखते हैं लेकिन वास्तव में वो जीवात्मा को और फंसा देते हैं। ठीक है, जय श्री मधुर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु धन्यवाद। जी। मेरा मेरा प्रश्न है, जैसे अभी हम इस भौतिक संसार में हैं, तो ऐसा हमने पढ़ा है, सुना है कि हमने कहीं ना कहीं भगवान का विरोध किया है, या फिर हमारी जो भोग करने की इच्छा थी, स्वतंत्र रहने की इच्छा थी, उसके फलस्वरूप हमको ये भौतिक संसार मिला है। तो पर प्रभु जी, मुझे एक चीज ये थोड़ी सी इसमें समझ में नहीं आ रही है कि जब कोई जीवात्मा भगवान के धाम में जाती है तो वहां तो कोई विकार ही नहीं है प्रभु जी, है ना? वो तो फिर वहां, फिर मतलब कैसे हम लोग वहां से च्युत हुए यहाँ गिरे? हाँ, इसके लिए हमारे गुरु महाराज उत्तर दिया करते थे कि जब जी आप बीमार होते हैं तो बीमारी में पहले चीज है आप दवाई लेकर के पहले ठीक हो जाइए, उसके बाद विचार करना कि आप बीमार कैसे हुए। तो भौतिक संसार में हम आध्यात्मिक संसार से कैसे गिरे, ये बड़ा ये गहरा विषय है। अब इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने जाएंगे तो हो सकता है हम समझ पाए, हो सकता है नहीं समझ पाए। लेकिन जब आप आध्यात्मिक संसार वापस जाएंगी तब आप भगवान कृष्ण को पूछ लेना कि हे भगवान, मेरे अंदर विकार कैसे आया आपके धाम में, मैं कैसे भौतिक संसार में गिर गई थी। लेकिन तब तक के लिए हमको वापस जाने की तैयारी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसकी कई कई एक्सप्लेनेशंस हैं और सब कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से भिन्न है। उस चर्चा में जाकर के समय नष्ट करने का कोई लाभ नहीं है। मैं कई बार ही उदाहरण देता हूँ, मान लो आपको मलेरिया या डेंगू हुआ है, और मलेरिया या डेंगू हमको पता है मच्छर की वजह से होता है, लेकिन कौन सा मच्छर ने हमको काटा, अब उस मच्छर को ढूंढो, पहले उसको पकड़ो, इससे सिद्धि नहीं होगी। आप अपने बीमारी का इलाज कीजिए। तो कैसे भगवत धाम में हाँ विकार आया समझना थोड़ा मुश्किल है, भगवत धाम जब वापस जाएंगे तब पूछ लेना। ठीक है, हाँ नहीं प्रभु जी, वो तो सही बात है, आप सही कह रहे हैं। बस ऐसी ही मन में थोड़ा सा ही आया था कि ये कैसे मतलब हुआ। जी क्योंकि देखो विकार वास्तव में आया नहीं। अगर मैं बहुत ही संक्षिप्त में समझाना चाहूं तो इस तरह जी समझा सकता हूं कि जीवात्मा को स्वतंत्र इच्छा भगवान ने दी है। ये स्वतंत्र इच्छा हर जगह रहती है, चाहे भौतिक संसार हो चाहे आध्यात्मिक संसार। और जी जैसे ही स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग जीवात्मा करती है, जैसे मानो उसने आध्यात्मिक संसार में सोचा कि मैं भी आनंदित होना चाहता हूं भगवान के बिना, ये स्वतंत्र इच्छा है। और जब स्वतंत्र इच्छा को उसने किया तो भगवान ने उसको ये मदद की कि ठीक है तुमको अलग रहना है, अब तुम्हारे अंदर विकार में मदद कर देता हूं लाने की। तो उसके अंदर ईर्ष्या मोह इत्यादि प्रकट हुआ, अविद्या आई और वो भौतिक संसार में आ गया। तो ये एक एक पक्ष है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कैसे जीवात्मा भौतिक संसार में आई। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, श्लोक 4 में आया था कि हम विशेष रूप से सूर्य देव द्वारा हमारे व्यापार जो है वो देखे जाते हैं, यानी कि हम जो कर्म करते हैं तो इसे ज्योतिष शास्त्र हाँ, कहते हैं, पर इसको इनको थोड़ा समझाएंगे। इनको भगवान ने अपनी आंखें बोली हैं। सूर्य चंद्र को भगवान ने अपनी आंखें बोली। जिस तरह हर जगह प्रकाश सूर्य की स्थिति से होता है, बाकी नक्षत्र भी सूर्य की प्रकाश को ही इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह यहाँ पर भगवान की आंखें सूर्य को माना गया है। सूर्य नारायण भगवान की आंखें, तो भगवान सूर्य के माध्यम से हर क्रिया को देखते हैं, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। तो हम जब भी कोई पाप कृत्य करते हैं, वास्तव में कई सारे साक्षी होते हैं। सूर्य तो एक साक्षी है ही, वायु भी एक साक्षी है, खम भी एक साक्षी है, अश्विनी कुमार साक्षी होते हैं, अलग अलग देवता साक्षी होते हैं। तो उनमें से एक उदाहरण दिया है कि सूर्य तो होता ही है, ये प्राकृत रूप से हम देख सकते हैं कि सूर्य हर स्थिति में प्रकट रहता है, हमारी साक्षी बन। ठीक जी है, अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। तो भैया, कल किसी विषय पर मैं चर्चा कर रहे थे, प्रश्न पोस्टर में जितना आप कह रहे बता रहे थे, तो
ज्ञान और कर्म दो दोस्तों की तरह होते हैं जो हमें और इस माया रूपी संसार में डुबाते हैं। तो ये कर्म जैसा कर्म कांड तो हम फंसे ही रहते हैं, तो ज्ञान को किस तरीके से समझेंगे? ये कर्म अर्थात ऐसे कर्म जो भौतिक संसार में हम प्रसन्न होने के लिए आनंद उठाने के लिए करते हैं। जी कर्म कांड और कर्म में भी अंतर है। कर्म कांड अर्थात शास्त्र के ऐसे विधान जिनको आप पालन करते हैं सुखी होने के लिए, जैसे पूजा पाठ तप दान इत्यादि। और कर्म अर्थात हमारे दैनिक कर्म जो हम भौतिक संसार में कर ही रहे हैं, उठना बैठना खाना पीना सोना, ये सारे कर्म हैं। तो इन सब के जी ऊपर हमारा बड़ा भरोसा होता है कि अरे हमारी स्थिति में हमारे कर्म हमें बचा लेंगे, हमने अच्छे कर्म करें हमारे साथ थोड़ी कुछ बुरा होगा, इस तरह लोग बातें करते हैं। तो ये कर्म जी वास्तव में हमारा मित्र जैसा दिखता है लेकिन और ज्यादा हमें भौतिक संसार में डुबाता है। दूसरा है ज्ञान। ज्ञान अर्थात जो लोग थोड़े विद्वान हो जाते हैं उन्हें लगता है कि वो भौतिक संसार से अपने ज्ञान के माध्यम से मुक्त हो जाएंगे। जो ज्ञानी पुरुष शास्त्रों का बड़ा अध्ययन कर लेते हैं, जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के प्रवचन करते हैं, इस तरह जो ज्ञानी पुरुष ब्रह्मवादी मायावादी ये अपने ज्ञान के ऊपर बड़ा भरोसा रखते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान भी सुरक्षा नहीं कर सकता। एकमात्र भक्ति भगवान का आश्रय जीवात्मा की सुरक्षा कर सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। जी अभी आप एक सरल उदाहरण देखिए। अभी सभी भक्त भगवद गीता बांट रहे हैं, भगवद गीता का वितरण कर रहे हैं। अभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसने थोड़े गीता के 10-20 श्लोक याद कर लिए हो, वो आपको सिखाने लगेगा, वो आपसे सुनेगा नहीं, वो आपसे गीता नहीं लेगा, वो आपसे प्रचार नहीं लेगा। क्यों? उसने 10-20 श्लोक याद कर लिए, जीवन में भले परिवर्तन नहीं आया, वो थोड़ा ज्ञान आने से और अहंकार आ जाता है। तो ये भी भक्ति के लिए प्रतिकूल परिस्थिति। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे उषा माता जी, कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न थोड़ा क्लास से हटके है। मेरा प्रश्न ऐसा है प्रभु जी कि कभी कभी हमें बहुत क्रोध आता है और उस क्रोध में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा क्रोध है या निर्भयता है, क्योंकि अक्सर प्रभुपाद जी कहते थे कि साधु को निर्भय होना चाहिए। तो कभी कभी ये भ्रम रहता है कि अगर हम क्रोध नहीं करेंगे तो हम डर रहे हैं, ऐसा मन से आवाज आता है। साधु निर्भय इसलिए होता है क्योंकि वो कृष्ण के ऊपर आश्रित होता है, और जो कृष्ण के ऊपर आश्रित होता है वो विनम्र होता है। ये विनम्रता निर्भयता की सूचक है, क्रोध डर की सूचक है। क्रोध आदमी क्यों करता है? क्योंकि वो इनसिक्योर हो जाता है, डरता है, उसकी कामनाएं जब पूर्ण नहीं होती क्रोध आता है। तो वास्तव में क्रोध निर्भयता का लक्षण नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपनी स्थिति के लिए बड़ा दुखी होता है या इनसिक्योर, इनसिक्योर को हिंदी में क्या बोलते हैं, असुरक्षित 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 महसूस करता है अपने आप को, तब वो क्रोधित होता है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हम क्रोध बड़ा करते हैं, लोग हमसे डरते हैं तो हम बड़े निर्भय हैं। नहीं, आप वास्तव में अपने आप से डरते हैं इसलिए क्रोध करते हैं। जो विनम्र होते हैं उनकी विनम्रता उनकी शक्ति है, उनकी निर्भयता आती है भगवान के ऊपर उनके आश्रय पे कि भगवान मेरे साथ हैं तो मेरे जीवन में हर वस्तु शुभ होगी, मंगलमय होंगी, उस तरह उनका विश्वास होता है। ठीक है, जी प्रभु जी। तो प्रभु जी इसकी कोई लिमिट है कि मतलब कहाँ पे निर्भय होना चाहिए और कहाँ पे परिस्थिति है क्रोध करने की लेकिन उचित नहीं है वहां पे क्रोध करने की, खासकर जो कृष्ण भावना भावित है, तो अपने आप को किस लिमिट। क्रोध दो ही जगह पर किया जा सकता है। एक, या तो कोई वैष्णव निंदा, साधु निंदा, भगवान की निंदा कर रहा हो तो आप क्रोध कर सकते हैं। और दूसरा, यदि आपके बच्चे या शिष्य कोई गलत काम करता है उसको सिखाने के लिए क्रोध किया जा सकता है। ये दो अवस्थाओं में क्रोध किया जा सकता है, बस उसके अलावा क्रोध की आवश्यकता नहीं। क्योंकि तो जब आप क्रोध करते हैं वास्तव में आप अपने आप को रजोगुण तमोगुण के हवाले कर देते हैं, और रजोगुण तमोगुण में कोई भी वस्तु कृष्ण भावना भावित नहीं होती। जी प्रभु जी, लेकिन जब परिस्थिति सामने वाले की क्रोध करने की हो तो उस वक्त एक साधु को यानी एक जो कृष्ण भावना भावित है उसे क्या करना चाहिए? उस परिस्थिति को छोड़ देना चाहिए। देखिए, व्यक्ति क्रोध कर रहा है वो अपना वैसे ही हानि कर रहा है। अब उसका प्रत्युत्तर देने के लिए आप भी क्रोध करेंगे तो आप भी अपनी हानि करेंगे। ऐसी परिस्थिति को अवॉइड करना चाहिए। कोई क्रोध कर रहा है वहां से चले जाएंगे, सबसे अच्छा काम। गुरु महाराज बताते थे ताली दोनों हाथ से बजती है,
अगर मान लो एक हाथ आपकी ओर बढ़ रहा है, दूसरे हाथ को आप दूर ले जाएंगे, ताली नहीं बजेगी। उसी तरह कोई क्रोधित हो रहा है, आप उस स्थान को छोड़ दीजिए, उस परिस्थिति को छोड़ दीजिए। ये कायरता नहीं है, ये बुद्धिमानी है। हमने ये उदाहरण भी कई बार चर्चा किया है। आप सड़क पे चल रहे हैं, एक सुअर आपकी तरफ दौड़ करके आ रहा है, आप क्या करोगे? सुअर से लड़ाई करोगे? आपके घर में कोई बंदर घुस गया, आप क्या उससे लड़ाई करोगे? हर परिस्थिति में क्रोध करने से काम नहीं बनता है। विवेक ये है कि उस परिस्थिति को किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में लगाया जाए। भक्ति के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो अपने समय को यथा तथा व्यर्थ नहीं करना है। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। विनीता माता जी, प्रभु जी, माता जी, एक माता जी डाउट पूछे थे ना, जो हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे हम लोग का वो एनवी फीलिंग्स या फिर कैसे आया, तो हम इधर आ गए। जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे उसी चीज को लेके मेरा थोड़ा डाउट है कि मतलब हम एक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं शायद भक्ति विनोद ठाकुर की एक बुक पढ़ी थी, जैव धर्म ऐसा कुछ, उसमें लिखा है कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भगवान का धाम है उधर कुछ एनवी फीलिंग्स नहीं होता है उधर। तो अब जो एक्सप्लेन किए कि हम लोग का फ्री विल को यूज करके मतलब इधर आ गए, तो कैसे हो रहा है वो चीज? हाँ, मैं इसलिए बोला अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग टीका दी है। कई आचार्यों ने बोला है महाविष्णु से आए, कई आचार्यों ने बोला है हाँ भगवत धाम एग्जैक्टली से आए। प्रभु, हाँ, मैंने वही चीज सुना था कि वो महाविष्णु से आए हैं, ऐसा इसलिए ऐसा मैं कुछ पॉसिबल इसलिए इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये समझना थोड़ा मुश्किल है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत दिए हैं। ये सब समझने में हम लोगों का अभी सामर्थ्य नहीं है। हम बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं। अभी मुख्य बात है आप अपनी भक्ति में प्रगाढ़ होइए, अपने नाम जप में, गुरु आश्रय में, प्रभुपाद आश्रय में प्रगाढ़ हो जाइए और भगवत धाम जाने की तैयारी की। इसलिए हमारे गुरु महाराज जो सारे शास्त्रों को जानते थे, वो कभी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते, क्योंकि उनको पता है जो सुनने वाले हैं उनको समझ में नहीं आने वाला है। तो जब समझ में नहीं आने वाला है तो बोलने से फायदा क्या है? इसलिए गुरु महाराज इस प्रश्न को अवॉइड करते थे। वो बोलते थे आप जब भगवत धाम जाओगे कृष्ण को पूछ लेना कैसे गिरे थे। तो मैं वही वही उत्तर दोहरा रहा हूं कि जब आप भगवत धाम जाओगे भगवान से पूछ लेना। ठीक है, मणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, तीन शब्द हमें सुनने में आए कि जैसे कर्म मीमांसा, कर्म कांड, कर्म योग। तो जैसे कर्म मीमांसा वर्क ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, जैसे जैमिनी ऋषि ने कहा कर्म कांड पुण्य के लिए और कर्म योग भगवान से जुड़ने के लिए, सही है ना प्रभु जी? हाँ, कर्म कर्म मीमांसा कर्म एक ही बात है। कर्म अर्थात जब आप कोई भी कार्य अपनी संतुष्टि के लिए करते हो, चाहे वो कर्म शास्त्र अनुरूप हो चाहे ना हो। दूसरा कर्म कांड, कर्म कांड अर्थात शास्त्र अनुरूप कर्म। जैसे किसी को बड़ा धनवान होना है तो कोई यज्ञ करता है, कोई अनुष्ठान करता है, तप करता है, तपस्या, ये सब शास्त्र में दिए हैं, तो इनके पालन करके सुखी होना कर्म कांड। और कर्म योग अर्थात अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करना, ये कर्म योग। तो ये थोड़ा सूक्ष्म अंतर जी प्रभु है। जी। तो ठीक प्रभु जी, ज्ञान के संदर्भ में भी हम ऐसे ही ले सकते है, हैं, ज्ञान हाँ, ज्ञान मीमांसा। भी ऐसे ही होता है। ज्ञान कांड, ज्ञान योग, दोनों में अंतर है। ज्ञान कांड अर्थात हम जब शास्त्र में पढ़ करके, गलत नहीं पढ़ रहे हैं, शास्त्र की बात पढ़ रहे हैं, लेकिन शास्त्र की बात पढ़ के हमारा अहंकार बढ़ा, हमें अपने आप को विद्वान समझने के लिए मोह हो गया, लेकिन भगवान से आसक्ति नहीं हुई। और ज्ञान योग अर्थात संबंध ज्ञान, जो ज्ञान आपको भगवान के समीप ले जाए, जो आपको भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा दे। जैसे अभी हम भागवत पढ़ रहे हैं, ये भी ज्ञान है, लेकिन ये संबंध ज्ञान है, ये भगवान से हमें संपर्क में लाता है। ठीक है, मनीष पांचाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ कृष्णा हाँ हरे कृष्ण बताइए। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा मतलब आध्यात्मिक तरह में जा रहा हूँ, तो मेरे मन में वैराग्य की भावना आ रही है कि मैं अपना पूरा मतलब जैसे खाना खाता हूँ तो मैंने कहा अभी आहार को भी धीरे धीरे करके
उससे भी आहार कम करना है मेरे को, प्लस इसमें भगवान की कृष्ण की भक्ति ज्यादा से ज्यादा कर सकूं। मेरा समय कब कब क्या हो जाए वो मेरे को पता नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कृष्ण की भक्ति के और क्या ज्यादा से ज्यादा मैं कर सकूं प्रभु जी, ये बताइए आप। ये भावना अच्छी है क्योंकि भक्ति से ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही आते हैं। भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि कृत्रिम अनुकरण ना हो, ये वास्तविक वैराग्य हो। और उसका सूचक क्या है? उसका सूचक ये है कि आप मार्गदर्शन में जब भक्ति करते हैं, मार्गदर्शन में जब भक्ति में सेवा में संलग्न होते हैं, तो स्वतः अन्य क्रियाएं कम हो जाती हैं। आपको फिर अलग से करना नहीं पड़ेगा। जैसे मानो आज भगवद गीता का प्रचार करने भक्त लोग बाहर जा रहे हैं, अपने आप उनका खाना पीना कम हो जाएगा, अपने आप उनका भौतिक विषयों से आसक्ति कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो भक्ति में सेवा में उत्साह नहीं बढ़ रहा है और कोरा वैराग्य चल रहा है, तो ये कोरा वैराग्य ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। ये एक समय पर आकर के और बड़ी इंद्र तृप्ति के प्रति आकर्षण आपके हृदय में जागृत कर देंगे। जैसे कई बार हम देखते हैं लोग महीने महीने भर व्रत करते हैं और फिर एक महीने बाद ऐसे टूट पड़ते हैं विषयों के ऊपर कि पहले इससे ज्यादा अच्छे थे व्रत करने के पहले। तो इससे क्या पता पड़ता है? उनका वैराग्य रूखा वैराग्य था, कोरा वैराग्य था, ये भगवत प्राप्ति का वैराग्य नहीं था। इसीलिए प्रयास ये करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बड़ी वस्तु को पकड़ता है तो छोटी वस्तु अपने आप छोड़ जाती है। गीता में भगवान बोलते हैं परम दृष्टा निवर्तते। उसी प्रकार भक्तिमय सेवा के प्रति रुचि बढ़ेगी तो अपने आप विषय छूटते चले जाएंगे और वो वास्तविक वैराग्य है, उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। तो आप खाना खाना पीना सोना कम करना है कृत्रिम रूप से नहीं, वो अपने आप होगा। जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे अपने आप इच्छाएं कम होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आपके वैराग्य से भक्ति में व्यवधान पड़ने लगे तो वो वैराग्य किसी काम का नहीं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे खाओ पियो सो जो करना है करो, लेकिन भक्ति में उत्साहित रहो, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है हरे कृष्ण प्रभु जी, बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। बस एक प्रचार के लिए प्रभु जी एक चीज पूछना चाह रहे थे कि ये बात सत्य है ना कि इतना दुख कष्ट कई जन्मों से झेलने के बाद अगर हम भगवत धाम जाएंगे तो इसकी चांस है कि अब हम नीचे ना आए, हाँ, ये तो है गीता में भगवान ने बोला है यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। लेकिन अगर भगवान आपको बोलेंगे बसंत प्रभु बुक मैराथन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है उज्जैन में, आप थोड़ा वापस जाओ उज्जैन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आओ, तो आप भगवान को मना करोगे क्या? नहीं प्रभु जी। इसीलिए वैष्णव भगवान की इच्छा पे समर्पित रहते हैं। हाँ, भगवान ने बोला है कि भगवत धाम से वापस नहीं आएंगे, लेकिन भगवान के ऊपर हम इस तरह कंडीशन नहीं रखते हैं। भक्त हमेशा भगवान के ऊपर आश्रित रहता है। हे भगवान, आप मुझे भौतिक संसार में रखना चाहते हैं, मैं रहूंगा। आप मुझे आध्यात्मिक संसार में रखना चाहते हैं, वहां भी रहूंगा। जहां आप रखेंगे वहां मैं रहूंगा। उस तरह भक्ति का विचार होता है। थैंक यू सो कृष्ण पटेल प्रभु। मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी दरअसल मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था वो क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन है मेरा कि मन किसी भी कार्य में नहीं लगता, एक जगह बस स्थिर हो के प्रभु के चिंतन में लगे रहो, कुछ करने का मन नहीं होता, ऐसी परिस्थिति है। फिर भी अब पारिवारिक जीवन है, परिवार है, तो चलाने के लिए कुछ न कुछ करना होता है, वो स्थिरता नहीं रह पाती परिवार। मतलब जैसे अपन दुकान पे जाते हैं, कुछ लोग आते हैं तो वो किस किस सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई शराबी भी होते हैं, कोई गुटखा पाउच वाले भी होते हैं, कोई बदबू वाले भी होते हैं, कुछ ऐसे आते हैं सब पर टांग। मेरा दवाई स्प्रे पंप की दुकान है तो काफी दिक्कतें होती है। सांसारिक जगत में मन बिल्कुल भी नहीं लगता, बस एकांत एक जगह बैठ के जप करता रहूं, चिंतन करता रहूं भगवान कृष्ण का, इसके अलावा कुछ भी नहीं। थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु, कृपा करके, ये चाहता देखिए, हूं प्रभु। भौतिक संसार से आप ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। भौतिक संसार दुख का सागर है, दुख रहने ही वाला है। लेकिन एक आशा है, यदि हम श्रील प्रभुपाद के निर्देशों को पालन करें तो हमारा भक्तिमय जीवन होगा, कृष्णमय जीवन होगा,
और हम भगवत चेतना में रहेंगे तो भौतिक संसार हमें प्रभावित नहीं करेगा। जैसे बाहर अगर बारिश हो रही हो, आप बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन आप रेनकोट पहन करके निकल सकते हो। तो ये भक्ति का आश्रय रेनकोट के समान, आप जब रेनकोट पहन करके निकलते हो, बाहर कितनी बारिश हो आप नहीं भीगोगे। उसी प्रकार आप बोल रहे हो, आप अच्छे से जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा प्रचार भी शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। दो चार जो लोग गंभीर हैं, जो लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको प्रचार में भी मदद कीजिए, उनको भक्ति में मदद कीजिए। आपके यहाँ से तो उज्जैन दूर नहीं है, कुछ वैष्णवों को वहाँ बुला सकते हो आप, हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, वो लोग आकर के वहां पर कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, जिससे आपके जैसे अगर दो चार भक्त भी वहां बन गए तो वो भक्त संघ में फिर आपको प्रेरणा मिलेगी। अकेला भक्त जब रहता है तो उससे बड़ी और बड़ी सजा और कुछ नहीं है कि भक्त अकेला है। इसलिए प्रयास कीजिए, खुद थोड़ा बहुत प्रचार शुरू कीजिए और कुछ भक्तों को वहां निमंत्रण कीजिए, वो जा करके वहां प्रचार में आपकी मदद करेंगे, जिससे धीरे धीरे जब आपका संघ बन जाएगा आपको प्रेरणा मिलेगी भक्ति करने की। और यही हम, इतना ही हम कर सकते हैं। भौतिक संसार को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हमारी चेतना अगर कृष्णमय हो तो फिर वो भौतिक संसार हमें प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभुपाद बहुत की जय, समवेत बहुत। भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। बताए हरे गो कृष्ण प्रणाम। प्रभु की दंडवत प्रणाम।